नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बेसिक अकाउंटिंग के थ्योरी के सेकंड पार्ट को। इसका एक भाग पहले ही आ चुका है, जिसका लिंक आप यहाँ पे ऊपर दाहिने कोने में भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। यदि वो भाग आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस भाग को देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं, अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। किसी भी बिजनेस में हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं पूरे साल के दौरान, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाए तो बाद में हम उसे खोज नहीं पाएंगे। मान लीजिए किसी को हमने उधार माल बेचा और 2-3 महीने बाद उससे हमें याद आया कि भाई पैसे अभी नहीं मिले हैं, तो यदि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा होगा तो हम 2-3 महीने पहले जाकर उसके रिकॉर्ड को देख लेंगे कि कितना पैसा पाना बाकी है और या कितना देना बाकी है। लेकिन यदि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा तो किसी भी ट्रांजेक्शन को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि हर बिजनेस लाभ कमाने के लिए काम करता है, तो उसने वास्तव में लाभ कमाया कि नहीं कमाया इसकी जानकारी करने के लिए वो उत्सुक होता है। तो ये जानकारी हमें अकाउंटिंग के माध्यम से हो जाती है। यदि हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद टू नो रीजन लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो आप एकदम एग्जैक्ट रीजन पता कर सकते हैं कि किस वजह से आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। आपकी बिक्री अधिक हुई इसलिए आपने प्रॉफिट कमाया, कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा हुआ, किसी वस्तु के दाम घट गए आपके रॉ मटेरियल के, या फिर आपके वस्तुओं के दाम बढ़ गए, नए ग्राहक आपसे जुड़े कि पुराने ग्राहकों ने ज़्यादा खरीदारी करी। एग्जैक्ट रीजन आप पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग के माध्यम से कि प्रॉफिट आपको क्यों हुआ। इसी तरीके से यदि आपको लॉस होता है तो लॉस के कारणों का भी पता अकाउंट में कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इसके बाद टू एज सर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन की मतलब क्या है कि वित्तीय स्थिति संस्था की कैसी है, ठीक है ना। केवल लाभ कमा लेना काफी नहीं है, बल्कि आपकी संस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपकी एसेट अच्छी हो, आपके डेटर्स अच्छे हो, आपका प्रॉपर तरीके से काम काज चलने के बाद भी आप एक मजबूत स्थिति में हो कि भविष्य में यदि कोई संकट आ जाता है या व्यापार पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आप उससे लड़ पाए। इसी चीज को कहा जाता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि आप अपने देनदारियों को भुगतान करने की स्थिति में है कि नहीं है प्रॉपर तरीके से। यदि आपको अचानक से बहुत सारा पेमेंट जिन्हें आपने उधार खरीदा हुआ है या उधार लिया हुआ है उसे आप चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ये पता चलता है आपके फाइनेंशियल पोजीशन से। बैलेंस शीट आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है और इसमें दी गई इंफॉर्मेशन से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, और ये अकाउंटिंग के माध्यम से ही हो सकता है। इसके बाद एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर बाय ईयर। मतलब यदि आप अकाउंटिंग रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करके चलते हैं तो आप ईयर बाय ईयर उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे और बेहतर हो रहा है कि परफॉर्मेंस में कोई कमी हो रही है। पिछले साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल उससे कुछ ज़्यादा कमाया कि नहीं, आपका रिवेन्यू का रेट कुछ बढ़ा कि नहीं, प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ बढ़ा कि नहीं, आपके एसेट में कुछ वृद्धि हुई कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप ईयर बाय ईयर पता लगा सकते हैं, कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका बिजनेस उत्थान की ओर है, ग्रोथ कर रहा है
कि बिजनेस में किसी तरीके की गिरावट या कमी हो रही है। जब आप अकाउंट मेंटेन करेंगे, लगातार अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो इस चीज का भी बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। टू प्रिवेंट डिटेक्ट चीटर एंड फ्रॉड, बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत सारे लोगों के सहायता की जरूरत होती है। अनेक कर्मचारियों को काम पे रखते हैं या कई सारे लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, तो उनमें कोई व्यक्ति जो है कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, पैसे की चोरी या हेर फेर तो नहीं कर रहा है, या फिर किसी तरीके की गलती तो नहीं हो रही है बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से चलाने में। इन चीजों का पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग कारगर होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में यदि कुछ भी ऐसा होगा तो उसमें आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखाई देने लगेगी यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो किसी भी तरीके की गलती या धोखेबाजी को पता लगाने के लिए और या उससे बचने के लिए भी अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। तो आज के आधुनिक बिजनेस काफी बड़े साइज के हो गए हैं और कई सारी पार्टियां आपके साथ जुड़ी होती हैं। आपके सप्लायर हैं, आपके आपको उधार देने वाले व्यक्ति हैं, आपको पूंजी देने वाले व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर्स जिसे कहा जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट है जो आपके बिजनेस के आधार पे टैक्स वगैरह लगाती है, आपके बैंक हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, आपके ग्राहक हैं, आपके कर्मचारी हैं। इन सारे लोगों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आपके बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये लोग आपसे जुड़े हुए हैं और इस भरोसे के साथ जुड़े हुए हैं कि आप जो है सही तरीके से उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जो मिलना चाहिए वो प्रदान करेंगे। तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं या जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, वो हमें प्रॉपर तरीके से पेमेंट कर पाएगा कि नहीं, उसके साथ काम करने में हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन चाहता है। तो अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो इस तरीके की तमाम इन्फॉर्मेशन अलग अलग पार्टीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसे देख के सामने वाली पार्टी संतुष्ट हो सकती है और ये विश्वास कर सकती है कि आपका कामकाज अच्छी तरीके से चल रहा है और वो आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो इस जब विश्वास रहता है तो वो लोग भी अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये सारे फायदे हैं या उद्देश्य हैं अकाउंटिंग के। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंट के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे कौन कौन यूज कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले लोगों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक हो सकते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे हो सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर यानी ऐसे लोग जो संस्था के अंदर हैं, संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करके संस्था को और अच्छे तरीके से काम करने लायक बना रहे हैं। इसमें कौन कौन आएगा? सबसे पहले तो आएंगे डायरेक्टर्स, दूसरा हो सकता है पार्टनर्स, तीसरे हो सकते हैं मैनेजर्स और चौथे हो सकते हैं ऑफिसर्स। यानी मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या व्यवसाय के संचालन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं संस्था में, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर माने जाते हैं। वो चाहे कंपनी का डायरेक्टर हो, किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो, किसी संस्था का मैनेजर हो या अन्य कोई उच्च पद पे बैठा हुआ ऑफिसर हो, ये सभी जो हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके संस्था के सिचुएशन के बारे में जानते हैं, संस्था को कैसे ग्रो कराया जाए, कैसे उसकी ग्रोथ हो, इसके बारे में डिसीजन लेने का काम करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में यदि कंपनी के मामले में देखें, ओनर्स को सबसे पहले रखा जाएगा। ओनर्स का मतलब यहाँ है शेयर होल्डर्स। कंपनी के फॉर्म में जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो लोग कंपनी के शेयर को खरीदे हुए हैं। इसके बाद यदि कोई इंडिविजुअल अपना व्यवसाय कर रहा है तो ऐसे केस में ओनर इंटरनल यूजर के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन जब किसी संस्था की या कंपनी की बात होगी तो ऐसे केस में ओनर्स जो हैं वो आपके एक्सटर्नल यूजर में आएंगे, क्योंकि व्यवसाय के संचालन में इनकी भूमिका नहीं होती है,
ये केवल व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, संचालन जो है डायरेक्टर्स या मैनेजर्स करते हैं। इसके बाद दूसरा हो सकता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे लोग जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं या भविष्य में कंपनी में पैसे अपने लगाना चाहते हैं। इसके बाद हो सकते हैं क्रिएटर्स, क्रिएटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को या संस्था को, व्यवसाय को उधार में कुछ माल वगैरह बेचा हुआ है। जो लोग उधार सामान हमें देते हैं या संस्था को देते हैं, व्यवसाय को देते हैं, वो क्रिएटर कहे जाते हैं, लेनदार कहे जाते हैं, क्योंकि उनको व्यवसाय से पैसा प्राप्त करना है। ऐसे ही लेंडर्स, लेंडर्स मतलब उधार देने वाले व्यक्ति। अब यहाँ क्रिएटर और लेंडर में अंतर क्या है? क्रिएटर्स उन्हें कहेंगे जो सामान हमें उधार बेचे हुए हैं, लेंडर्स उनको कहेंगे जिन्होंने हमें उधार पैसे दिए हुए हैं। वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेना चाहेंगे और ये पता लगाना चाहेंगे कि संस्था की स्थिति कैसी है, वो भविष्य में हमारा पैसा लौटा पाएगी कि नहीं लौटा पाएगी। इसके बाद इम्प्लाइज, इम्प्लाइज यानी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी, वो भी अपनी संस्था के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, फाइनेंशियल पोजिशन को देखते हैं, अर्निंग के रेट को देखते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि भाई जब संस्था ग्रोथ करेगी तभी वहाँ के एम्प्लाई भी ग्रोथ करेंगे, तभी उन्हीं उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। कोई भी संस्था यदि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वहाँ के कर्मचारियों का उत्साह कम होता है और धीरे धीरे लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य लगता है कि संस्था में हमारा भविष्य जो है वो अच्छा नहीं है। तो एम्प्लाई भी हमेशा अपने संस्था के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे नज़र बनाए रखते हैं कि सही तरीके से हमारी कंपनी चल रही होगी तब हमारा भी भविष्य अच्छा होगा। यदि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है तो भविष्य में एम्प्लाई के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना रहता है, ठीक है, तो इसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से उनको जानकारी मिलती है संस्था ने कितनी आमदनी कमाई, उसके हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा जो संस्थाएं ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करती है गवर्नमेंट उन्हें बहुत सारे सपोर्ट देती है और आगे बढ़ने में मदद करती है ताकि देश का आर्थिक विकास हो पाए, तो गवर्नमेंट भी जो है किसी भी संस्था, बड़ी संस्था के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत बारीकी से देखती है। इसके अलावा रिसर्चर्स, जो लोग विभिन्न प्रकार के रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हों जो कॉलेज में PhD वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी हो वहाँ के जो रिसर्चर्स होते हैं, ये सारे समय समय पे कंपनियों के बारे में उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी काम कर रही है, और इसके आधार पे तरह तरह के निष्कर्ष निकालते हैं। यदि किसी का परफॉर्मेंस कमज़ोर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ये सब जानकारी करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी संस्था का परफॉर्मेंस अच्छा है तो क्या क्या वो संस्था ऐसा काम कर रही है जिससे संस्था का परफॉर्मेंस अच्छा हो पा रहा है, ये सारी जानकारी करने के लिए रिसर्चर्स भी कई बार अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसके अलावा पब्लिक, पब्लिक मतलब आम जनता, आम जनता भी इस संस्था के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख सकती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि पब्लिक जो है वहाँ की परमानेंट कस्टमर हो उस संस्था की, वो अपने संस्था के परफॉर्मेंस के बारे में जानकर ये आश्वस्त हो सकती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह हमें अच्छी मिलेगी, सर्विसेज हमको अच्छी मिलेंगी। इसके अलावा जनता में से ही कुछ लोग इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, कुछ लोग शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तो पब्लिक भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कभी कभी गैदर करती है। तो ये सारे जो लोग संस्था में काम नहीं करते हैं, संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।